फाइनली आफ्टर 3 वीक्स आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो हाई एंड फ्लैगशिप फोन्स के बारे में, मी 11 अल्ट्रा शाओमी सुपर फोन विच कॉस्ट अराउंड 70,000 इंडियन रुपीज वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा सैमसंग टॉप नॉच फ्लैगशिप विच कॉस्ट अराउंड 1 लाख इंडियन रुपीज। अब इन दोनों ही फोन्स की प्राइस में ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज का प्राइस गैप है, बट जितना प्राइस डिफरेंस हमें देखने को मिलता है क्या एक्चुअली में उतना डिफरेंस है? लेट्स सी। और हमेशा की तरह मैं सिर्फ उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बात करूंगा जो कि रियल लाइफ में मैटर करते हैं। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। तो मी 11 अल्ट्रा में आपको मिलती है 6.81 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है जिसकी पीक ब्राइटनेस मैक्सिमम 1700 निट्स तक जा सकती है। वही सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में भी आपको 6.81 इंचेस की ही डिस्प्ले मिलती है विच इज डायनामिक एमोलेड और इसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट है। दोनों की डिस्प्ले क्वाड एचडी है। दोनों के डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और दोनों ही डिस्प्ले का कलर कैलिब्रेशन बहुत ही तगड़ा है। बट यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मी 11 अल्ट्रा की डिस्प्ले आउटडोर कंडीशन में अपनी पीक ब्राइटनेस को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाती। अब शायद ये MIUI का बैटरी सेविंग एल्गोरिदम हो या फिर हीट मैनेजमेंट एल्गोरिदम, क्योंकि मैंने और भी Xiaomi के फोन्स देखे हैं जैसे कि मी 11X, मी 11X Pro, इन सारे फोन्स में भी सेम इशू है कि ये अपने ब्राइटनेस को बहुत जल्दी डिप कर देते हैं। वही बाकी सारे फोन्स इंक्लूडिंग S21 अल्ट्रा किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट अगर आप बहुत देर तक के लिए डायरेक्ट सनलाइट में मी 11 अल्ट्रा को यूज करोगे तो ये चीज आपको जरूर नोटिस होगी। खैर बात करें परफॉर्मेंस की तो मी 11 अल्ट्रा में आपको मिलता है टॉप नॉच फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 888 जो कि 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और बहुत ज्यादा तगड़ा वाला प्रोसेसर है। इस फोन में आप सारे हाई एंड गेम्स को उसकी हाई सेटिंग्स पे प्ले कर सकते हो, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी हो, पबजी हो या फिर BGMI हो। ये फोन सब कुछ बहुत ही अच्छे से स्मूथली हैंडल कर लेता है और तो और जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं उनके लिए दिस प्रोसेसर इज अ चैंपियन। वही S21 अल्ट्रा में भी आपको स्नैपड्रैगन 888 का ही प्रोसेसर मिलता अगर आप चाइना में रहते तो, बट इंडिया में दिस फोन कम्स विद Exynos 2100 विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। इस फोन में भी आप सारे हैंड टास्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट जब आप इसको स्नैपड्रैगन 888 से कंपेयर करोगे तो यू विल नोटिस कि Exynos 2100 इज मोर पावरफुल, बट ये हीट भी बहुत जल्दी हो जाता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, स्नैपड्रैगन 888 भी हीट होता है बट Exynos हिट्स अप मोर और हीटिंग की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही जल्दी डिप कर जाती है। सो इफ यू आर अ हार्डकोर गेमर यू शुड गो विद मी 11 अल्ट्रा। एंड अब बात कर लेते हैं यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। तो मी 11 अल्ट्रा में आपको मिलता है MIUI 12.5 विच इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 और बहुत ही जल्दी इसमें MIUI 13 का भी अपडेट आने वाला है। अब MIUI का ट्रैक रिकॉर्ड तो उतना अच्छा नहीं है बट दिस एंड्रॉइड स्किन हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। स्पेशली MIUI 12.5 में आप Xiaomi के इनबिल्ट एप्लीकेशंस को भी डिलीट कर सकते हो विच इज एन एडवांटेज, बट एज यूजुअल MIUI कुछ टाइम के बाद अपने असली रंग दिखा देता है। बट थैंक्स टू द ट्रिमेंडस कस्टम रॉम सपोर्ट ऑन Xiaomi फोन्स जिसकी वजह से आप इस फोन को 5 साल बाद भी लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे यूज कर सकते हो। वही S21 अल्ट्रा में आपको मिलता है One UI 3.1 विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। दिस UI हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट और तो और Samsung गिव्स यू देयर नॉक सिक्योरिटी विच रियली मैटर्स टू द कस्टमर्स हु गेट्स Samsung फोन्स आउट देयर। एंड फाइनली हियर कम्स द मेन डिफरेंस जिसकी वजह से शायद आप ये वीडियो देख रहे हो, द कैमरा कंपैरिजन। तो मी 11 अल्ट्रा में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद F2.0 एपर्चर जिसमें डुअल पिक्सल ऑटोफोकस एंड OIS भी है, 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस और इसमें भी OIS है, प्लस 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा विच इज 128 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। वही S21 अल्ट्रा में आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद F1.8 एपर्चर, 10 मेगापिक्सल के 2 टेलीफोटो लेंस दिए हुए हैं जिसमें से एक लेंस से आप 10x ऑप्टिकल और 100x तक डिजिटल जूम कर सकते हो, वही दूसरे टेलीफोटो लेंस से आप सिर्फ 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, और तो 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी दिया हुआ है विच कैन शूट अल्ट्रा स्टडी वीडियोस एज वेल। मैं इस पॉइंट में बस इतना ही बोलूंगा कि दोनों ही फोन्स के कैमरा तबाही हैं, सीरियसली तबाही है। दोनों ही फोन्स हर एक कंडीशन में आपको अच्छी इमेजेस कैप्चर करके देंगे, बट मी 11 अल्ट्रा के पास एक एडवांटेज है कि इसके बैक में आपको एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले मिलती है जिसको यूज करके आप बैक कैमरा से भी सेल्फी ले सकते हो विच इज अ बिग थिंग। वही S21 अल्ट्रा हैज बेटर जूम कैपेबिलिटीज। हाँ Xiaomi कहता है कि मी 11 अल्ट्रा से आप 120x तक डिजिटल जूम कर सकते हो, बट दैट इज डिजिटल एंड इफ यू विल कंपेयर इट विद Samsung टेलीफोटो लेंस आई विल क्लियरली से दैट मी 11 अल्ट्रा हार जाता है, बट रियल लाइफ में आप जूम करके कितने फोटोज क्लिक करते हो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। डायरेक्टली बोलूं तो बैक कैमरास के लिए आप दोनों ही फोन्स में से किसी से भी निराश नहीं होगे। दोनों ही फोन्स मैक्सिमम 8K वीडियो शूट कर सकते हैं, बट जब बात आती है फ्रंट कैमरा की तो हियर Samsung गैलेक्सी S21 अल्ट्रा शाइंस। इस फोन में आपको 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है विच कैन शूट अप टू 4K 60fps वीडियोस। वही मी 11 अल्ट्रा में आपको सिर्फ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है विच कैन ओनली शूट 1080p वीडियोस। सेंसर्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको सारे सेंसर्स दिए हुए हैं, बट मी 11 अल्ट्रा हैज इंफ्रारेड विच इज एन एडवांटेज, बट ऑन द अदर हैंड S21 अल्ट्रा हैज एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Bixby, Samsung Pay, अल्ट्रा वाइडबैंड एक्सेट्रा। एंड फाइनली बैटरी की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको 5000mAh की ही बैटरी मिलती है, बट मी 11 अल्ट्रा कम्स विद 67W वायर्ड एंड वायरलेस चार्जिंग और इसमें आप 10W तक की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो। वही S21 अल्ट्रा हैज ओनली 25W फास्ट चार्जिंग
विथ 15W वायरलेस एंड 4.5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। बैटरी डिपार्टमेंट में आई वुड क्लियरली से कि Mi 11 Ultra हैज एन एज। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस इन दोनों ही फोन्स के बीच में जो एक्चुअली में रियल लाइफ में मैटर करते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि मैं एक एक करके इन सारे पॉइंट्स का नाम लूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से पॉइंट में कौन सा फोन विनर था। तो सबसे पहला पॉइंट था डिस्प्ले S21 अल्ट्रा, क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरह के स्क्रीन डिमिंग इश्यूज नहीं मिलते हैं जैसे आपको Mi 11 अल्ट्रा में देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट था परफॉर्मेंस एंड गेमिंग, Mi 11 अल्ट्रा विदाउट एनी हेजिटेशन स्नैपड्रैगन 888 इज मोर स्टेबल देन Exynos 2100। तीसरा पॉइंट था यूजर एक्सपीरियंस, अब ये तो टोटली आपका पर्सनल प्रेफरेंस है बट एज पर मी Samsung हैज एन एज ओवर Mi 11 अल्ट्रा बिकॉज ऑफ इट्स बेटर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे S21 अल्ट्रा विंस। फोर्थ पॉइंट था कैमरा, अगेन दिस इज वेरी मच क्लोज, मतलब इतना ज्यादा क्लोज है कि अगर मैं एक फोन के कैमरा को अच्छा बोल दूं तो ये दूसरे फोन के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, बट मेरे हिसाब से Mi 11 Ultra has an edge over S21 Ultra। रीज़न ये है कि Xiaomi के जितने भी फोन्स आते हैं जिनमें Snapdragon का प्रोसेसर होता है उनके लिए आपको GCam का बहुत अच्छा वाला सपोर्ट मिलता है, वही Samsung फोन्स विच हैज़ Exynos प्रोसेसर उनके लिए GCam का डेवलपमेंट उतना तगड़ा नहीं है। बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग गूगल कैमरा S21 Ultra एंड Mi 11 Ultra बोथ टेक वेरी गुड फोटोज। फिफ्थ पॉइंट था बैटरी, Mi 11 Ultra अगेन बिकॉज ऑफ इट्स सुपर 67W वायर्ड एंड वायरलेस चार्जिंग बोथ। आई नो बहुत सारे लोग अब भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, तो मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको एक ट्रस्टेबल प्रीमियम फोन चाहिए और आपको बजट की कोई टेंशन नहीं है तो आपके लिए S21 Ultra डेफिनेटली है, बट इफ यू वॉन्ट अ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन अभी भी Mi 11 Ultra इज अ चैंपियन। आप इन दोनों फोन्स के बारे में क्या सोचते हो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, एंड येस इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना नहीं तो पाप लगेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा सलाह।